लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डाटा बना रही हूँ, मैं यहाँ पे एक डाटा बना रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करने हैं। अब मैं सब्जेक्ट कैसे फिल करूंगी, लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा 25, फिर एरो की प्रेस करूंगी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे फिर अगेन 25, फिर मैंने लिख दिया 50। ये मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार एरो करना पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट 50 लिखा, फिर मुझे सब्जेक्ट वन पे जाना है, फिर मैं इसके पास यहाँ तक मुझे लेके आना पड़ेगा, फिर एरो प्रेस करूंगी, मुझे नेक्स्ट के लिए एरो की प्रेस करनी पड़ती है ना। और मुझे कहाँ तक करना है, मुझे इस सेक्शन को फिल करना है, am I right? मुझे इस सेक्शन को फिल करना है, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, मुझे एरो की लेके जानी पड़ती है, मुझे दूसरे सेल पर जाने के लिए माउस से या फिर एरो की से प्रेस करना पड़ेगा, तभी मैं दूसरे सेल पे आऊंगी। अब लेट सपोज मुझे पता, मुझे इतना सेक्शन फिल करना है, ठीक है, उतने सेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जब भी हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, रेंज क्या होगी इसकी, E3 से लेके कहां तक, G7 तक, ये इसकी रेंज है। और जो पहला सेल होता है वो हमेशा वाइट रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता है मुझे यहां तक ये पूरा फिल करना है, तो मैंने उस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। जो आपके सिस्टम में जाके कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीपैड है, वहां से मैंने भरना स्टार्ट किया, मैंने 50 एंटर किया, 50 लिखा। अब न्यूमेरिकल कीपैड का एंटर प्रेस करो, अब वो अपने आप ही मुझे नेक्स्ट सेल में ले जा रहा है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पर बेटा खुद से कोई एरो की नहीं प्रेस कर रही, वो मुझे खुद दूसरे सेल पे ले जा रहा है। ये क्या किया है मैंने, जब हमें फास्ट डाटा एंट्री करनी होती है, जल्दी काम करना होता है, तो हम बार बार उस चीज के लिए एरो की या फिर माउस का यूज ना करें। हम क्या करते हैं, जितना भी सेक्शन हमें फिल करना है उसको हमने सिलेक्ट किया, पहले न्यूमेरिकल कीपैड से आप टाइप करना स्टार्ट कीजिए, नंबर्स एंटर कीजिए और न्यूमेरिकल कीपैड का ही एंटर यूज कीजिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे सेल पर ले जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एरो की यूज नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद अपने आप अपने सिस्टम पर करके देखिए, ये छोटे छोटे चीजें हैं। एक्सेल के अंदर एक बार ट्राई करो सब। मैम एक बार रिपीट करना बेटा, मैंने बताया अगर आपको जल्दी डाटा फिल करना है सिलेक्टेड एरिया में, आपको पता आपको कितने एरिया में डाटा फिल करना है, और उसके लिए आपको बार बार सेल पे मूव नहीं कराना है, आप चाहते हो ऑटोमेटिकली में नेक्स्ट सेल में एंटर हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेट सपोज मुझे इतने एरिया में नंबर फिल करने हैं, मैं अपने नंबर स्टार्ट करती हूँ लिखना 25, 36 और एंटर प्रेस कर रही हूँ, कौन से कीबोर्ड से, कौन से कीपैड से, जो आपको न्यूमेरिकल पार्ट होता है कीबोर्ड के अंदर, जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, ठीक है। ठीक, जब आप एंटर कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट सेल पर वो करवा रहा है, जंप करवा रहा है। ओके मैम।